नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग भी बड़े मस्त में होंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि हम लोग ऊपर वाला रूम जो रेंट पे खाली हो चुका था, तो उसमें हम लोगों ने पूजा करवाया था और आप लोगों को उस दिन बताया था कि हम लोग एक रूम का एक टूर देंगे। तो आज मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को रूम टूर दे दूँ। तो फिलहाल घर पे तो कोई है नहीं, पापा दुकान पे बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे ऑफिस में। और यहाँ पे बाबू यहाँ पे सोया हुआ है और मैं रूम पे आया हूँ तो रूम टूर देने के लिए। तो फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कौन से रूम में कौन कौन शिफ्ट आप लोगों को ले चलता हूँ, बाकी रूम में कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप देख सक रहे हैं कि ये मेरा रूम है, तो इस रूम में ज्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं, जैसे था पहले वैसे ही है। और फिलहाल ये टीवी जो है मेरे रूम में, इस टीवी को हम लोग करेंगे दूसरे रूम में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस रूम में लेके जाएंगे टीवी को। तो फिलहाल बाकी रूम को आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों का सोफा सेट था जो कि यहाँ रखा हुआ था और ये यहाँ से हट चुका है। और उसके बाद ये जो रूम है इसमें पहले बंकू रहा करता था, तो ये रूम भी खाली हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक चौकी रखा हुआ है जो कि बीच बीच में गोलो आती है या कोई गेस्ट आते हैं तो दिक्कत होता है। तो इस रूम को हम लोग गेस्ट रूम बना देंगे, यहाँ पे जो आएंगे वो लोग रहेंगे। फिलहाल इस रूम में बाबू अपना खेलता रहता है, उसका गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, खिलौना वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, टेडी वगैरह रखा हुआ है। तो फिलहाल इस रूम में बाबू खेलता रहता है। चलते हैं आपको दूसरे रूम में लेके। तो ये रूम रहा पापा का, तो इस रूम में कुछ नहीं बदला है। ये रूम में अलमारी भी था और ये पलंग भी था, सिर्फ यहाँ पे जो भगवान का जो आसन था सो कि यहाँ से हट चुका है और ये ऊपर चला गया है। तो फिलहाल पापा इसी रूम में रह रहे हैं और फिर उसके बाद लेके चलते हैं आपको दूसरे रूम में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले जो प्रूनू का पहले रूम था उस रूम में। तो हमने इस रूम में सोफा को लाया है और सोफा यहाँ पे सेट किया है। और इस वॉल पे हम लोग जो मेरे रूम में आपने टीवी देखा है उसको इस वॉल पे सेट करेंगे और इसका भी मूवमेंट चेंज कर देंगे। इसको लेके आ जाएंगे इस जगह पे और ये दोनों सोफा जो छोटा छोटा है वो इस तरफ आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस तरह का रूम है ये। तो बाद में इसको डेकोरेट करके हम लोग जो सोचा है कि टीवी ऊपर आ जाएगा और इसमें जो गेस्ट लोग आएंगे आराम से यहीं पे बैठेंगे। अब लेके चलता हूँ आपको ऊपर वाले रूम में। तो दोस्तों ये रहा वो ऊपर वाला जो फ्लैट था हम लोगों का, तो ये रेंट पे खाली हो गया था तो इसी में हम लोग पूजा करवाए। तो गाइज ये किचन है, तो किचन में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस इस किचन को हम लोग इसी तरह से खाली छोड़ेंगे क्योंकि पूजा का जो भी सामान होगा, जो भी पकवान बनेगा इसी रूम में बनेगा, इसीलिए हम लोग इस रूम को ऐसे ही छोड़ दिए। और ये रहा दूसरा रूम जो कि यहाँ पे एक पलंग है और यहाँ पे एक अलना है और ये आप देख सकते हैं कि ये है कूलर। और यहाँ से ये बड़ा सा विंडो है जो कि बाहर दिखता है। अच्छा हमको सिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ से दिखता रहता है। और ये रहा हरी भैया का और ये रहा राकेश भैया का घर। तो ये सामने से ये व्यू है और आपको लेके चलते दूसरे रूम में। और ये रहा दूसरा रूम जिसमें हम लोगों ने भगवान को बिठाया था, तो ये हो गया भगवान का। यहाँ पे फिलहाल टुन्नू और सुमन शिफ्ट हो चुके हैं, तो टुन्नू और सुमन का ये रूम हो चुका है। तो इस रूम में एक पलंग है और एक अलमारी है यहाँ पे और भगवान का। ऐसे ही हम लोगों ने रूम को अभी तक शिफ्ट किया है आगे आगे और इसको भी डेकोरेट करना है, तो धीरे धीरे ये सब चीज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्दा वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो बाद में हम लोग यहाँ पे पर्दा वगैरह भी लगाएंगे और इस रूम सबको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो फिलहाल मैं जाता हूँ नीचे, सोया हुआ अकेला है, पापा दुकान पे है, चलते हैं नीचे। तो दोस्तों बउआ उठ के आ चुका है बाहर और ये सोया हुआ था, डर के उठ गया। और पापा गए हैं इसके लिए दूध गर्म करने के लिए अंदर, तो पापा दूध गर्म कर रहे हैं फिलहाल और उसके बाद इसको लेके जाएंगे दूध पिलाने के लिए और मैं दुकान पे बैठा हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको चॉकलेट खाना और लॉलीपॉप लिया खुद और खुद इसको खा रहा है और देखिए कैसे खाता है। ले देखो कैसे खा रहा है ये देखो देखो, इसको ये भी पता कि डंडा है, ये डंडा को पकड़ना और वो गोल जो है वो चॉकलेट है उसको मुंह में डालना है। कैसे कैसे ये लड़का खाता है और क्या क्या खाता, खुद फाड़ता है, खुद लेता है, खुद ही खाना शुरू कर देता है। चलिए इसको खाने देते हैं और फिलहाल दुकान पे ही बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद दुकान भी बंद करेंगे और उसके बाद जाएंगे घर में, थोड़ा सा खाना वाना भी बनाना है। तो गाइस दुकान बंद कर चुका हूँ और फिलहाल आया हूँ किचन में। किचन में क्योंकि अभी ईदी आई ही नहीं है तो दोपहर का कुछ खाना बनाना है, तो आज फ्राइड राइस बनाने वाला हूँ। उसके लिए सारा सामान सब तैयार कर चुका हूँ, तो यहाँ पे सारे चीज काट लिया हूँ। यहाँ पे अंडा है तो फ्राइड राइस बनाऊंगा अंडा का, और फिलहाल घर पे ही तो ईदी आती है फिर उसके बाद बनाना तैयार करेंगे क्योंकि गर्मा गर्म खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे दोनों बाबा पोता दोनों बैठ के एकदम खेल रहे हैं, ये लोग भी बैठ के टाइम पास कर रहे हैं अपना, खेल रहे हैं। और ये अभी सोने का नहीं है क्योंकि अभी इसको खाना खिलाना है, तो ईदी आएगी उसके बाद इसको खाना खिलाएगी, तो अभी ईदी का ही वेट चल रहा है। और देखिए कैसे दादाजी को ये परेशान कर रहा है। हेलो गाइस, बाय बाय। हाई फाइव कर दो। तो गाइस इटी कुमारी आ चुकी है अपने स्कूल से। ये रही इटी कुमारी। तो इटी कुमारी आज तो एकदम लाल साड़ी बन के गई है। सांप तो रहा है कि नहीं? क्या सांप तो रहा है? एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम लाल लाल। सांप नहीं तोड़ा है। क्यों तोड़ाएगा? आ गया मम्मी। कौन है? क्या है ये? बैग है, बैग है, बैग है। मेरे चूना बाबा। तो आप लोग बैठो, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम माताजी का प्यार लुटा दीजिए। तो दोस्तों मैंने बनाया है ये फ्राइड राइस और ये आलू का भुजिया और ये राइस। तो फिलहाल आज खाने में यही है, तो चलिए खाना खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं पापा, इति और बाबू बैठे खाना खाने के लिए। तो पापा फ्राइड राइस का कैसा टेस्ट है? बढ़िया बढ़िया। इति कुमारी टेस्ट करके देखिए कैसा है। देख के तो बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा है। एकदम पुई पुई। थोड़ा तुम भी खा के देखो। अच्छा अच्छा बना है, खाओ। उसे भी पसंद आया। बढ़िया है एकदम दामी। तो फटाफट से खाना खाते हैं अब। तो दोस्तों शाम हो चुका है और दुकान खोल चुका हूँ और फिलहाल अभी दुकान पे सामान वामान सब बाहर निकालना है। तो पानी भी पटाना है, तो पहले पानी पटा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों पानी भी पटाना हो चुका है पूरा और फिलहाल दुकान में बैठते हैं। तो दोस्तों पोपट हो चुका है, पानी तो मैंने पटा दिया है, लेकिन अब मौसम भी ख़राब हो चुका है। तो दिखाता हूँ आप लोग। तो देखिए यहाँ तो पानी पटा दिया और इधर देखिए काफ़ी ज़्यादा बादल लग चुका है और यहाँ देखिए हवा भी काफ़ी तेज़ चलने लगा है, लग रहा है कि बारिश आने वाला है। तो मेरा पानी पटाने का जो मेहनत था वो वेस्ट चला जाएगा। आकाश भी थोड़ा थोड़ा बादल लगा है और हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है, धूल भी उड़ रहा है। तो दोस्तों बाहर अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन बारिश अभी तक हुआ नहीं है और थंडरिंग भी काफ़ी ज़ोर से हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि ये कराई पे पानी फिरना, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए देखिए। तो दोस्तों देखिए मैंने इतने मेहनत करके बिजली खर्च करके ये पूरे रास्ते को भिगाया और अब जाके बारिश शुरू हो गई है। देखिए आप लोगों को लाइट में दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा होगा बारिश हो रहा है। तो मेरा मेहनत पे पानी फिर चुका है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मेहनत करना पड़ा, बिजली बिल भी खर्च करना पड़ा, लेकिन इतना अच्छा है कि अब धूल उल पूरे रास्ते का बैठ जाएगा। और दोस्तों थंडरिंग भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हो रहा है। तो दोस्तों नीचे इति कुमारी बैठी हुई है, चाय लेके आई है। तो ये रहा चाय और बिस्किट और यहाँ पे ये भी बैठ चुका है बिस्कुट हाथ में लेके और इधर में चल रहा है इसका छुछू टीवी। दिन भर बैठ के खाली छुछू टीवी देखते रहेगा और हंसते रहेगा। तो अभी बैठ के चाय पीते हैं, फिर उसके बाद जाके दुकान में बैठेंगे। तो गाइज ये दोनों नमूना फिर से दोबारा दुकान पे आया है, पता नहीं क्या लेने के लिए आया है। मैं चाय पी के आया और ये भी पीछे पीछे ये लोग भी आ गए। क्या लेगा? बोल दो क्या लोगे। वो जीरा बोल दो। जीरा। आप वीडियो बनाते हो, कैसे बनाते हो भैया? तो गाइस एक कस्टमर आ चुका था मैगी लेने के लिए, तो उसको मैगी दे दिया। और एक चीज दिखाता हूँ आपको, इति आई थी ये जीरा पाउडर लेने के लिए और बिना लिए घर चली गई बाबू को लेके। इसका दिमाग तो अलग ही टाइम पे अलग ही जगह चलता रहता है। फिर वापस आएगी दौड़ के बोलेगी जीरा के पाउडर दो, धनिया पाउडर। तो गाइज आप लोगों को बताया था ना कि फिर दौड़ के आएगी, भूल चुकी है लेने के लिए। तो अभी फिर आई है दोबारा लेने के लिए। लो धनिया पाउडर। हाँ वो भी मांग रहा है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चॉकलेट चोको। हाँ तो दोस्तों दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है, रात का 9:30-9:45 बजने वाला है। तो फिलहाल सामान वगैरह अंदर डालते हैं, फिर चलते हैं रूम में, बाबू के साथ थोड़ा देर बैठेंगे, टीवी भी देखेंगे। तो दोस्तों देखिए इस जनाब को मस्त एकदम सो के आराम से इधर छुछू टीवी देख रहा है। बस इसका यही काम है, हर दिन बैठ के छुछू टीवी देखना। ओए क्या कर रहा है? क्या देख रहा है? क्या है? क्या देख रहा है तुम? बदमाश कहीं का, खाली छुछू टीवी छुछू टीवी। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, फिलहाल अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने अपना अपना रूम को शेयर किया है। आपको हम आज के ब्लॉग में रूम टूर दिया। तो फिलहाल सब कोई चले गए अपने अपने रूम में। बाबू ये आप दादाजी के साथ सोता है तो वो भी अपने दादाजी के पास चला गया सोने के लिए। इति किचन में है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।